चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। कल हमने पढ़ा था विराम चिन्ह हम कैसे कैसे लगाते हैं, लेकिन आज हम एक एक वाक्य में देखेंगे, कुछ विराम चिन्हों का नाम लेते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है एकल उद्धरण चिन्ह, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 में है। पहला है एकल उद्धरण चिन्ह। कोई कहानी का नाम होता है तो एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, अगर एक वाक्य बोलेंगे तो रामचरितमानस को हम शीर्षक है इसलिए एकल उद्धरण चिन्ह में देंगे। पहला हो गया एकल उद्धरण चिन्ह जो कि यहाँ पे लगा है कॉमा, सिंगल इंपर्टेड कॉमा से इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में एकल उद्धरण चिन्ह कहते हैं। दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह जब हमने कल पढ़ा था, जब हम किसी की बात को ज्यों का त्यों बोलते हैं, किसी भी वक्तव्य को हम ज्यों का त्यों कहते हैं तब दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। नेताजी ने कहा आजादी दूंगा और ये देखो यहाँ विराम लगा दिया, तुम से शुरू है और यहाँ दूंगा तक, ठीक है। ये हो गया दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब है विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह से कोई वाक्य बनाना है हमें तो हे राम। विस्मयादि बोधक चिन्ह में जब हम किसी हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, दुख, घृणा के भावों वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वहां पे आता है एक वो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो यहाँ लिखा है हे राम हम पर दया करो। तो ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, हे राम हम पर दया करो। ये आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर बुक में उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह, ऊपर वाला रख दिया जाएगा। प्रश्न सूचक चिन्ह है अगला और चौथा प्रश्न सूचक
जब हम किसी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछते हैं, किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नचूसक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यह है प्रश्नचूसक किस तरीके से प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। इसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। पांचवा है, पांचवा और अंतिम है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कल भी आपको बता दिया गया था, इसका एक वाक्य बताते हैं, उदाहरण देखते हैं। रीना धीरे धीरे चलती है। अब रीना धीरे धीरे चलती है, यह है योजक चिन्ह। यह योजक चिन्ह का प्रयोग है यहाँ पे, देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने कई विराम चिन्हों को प्रयोग कैसे करते हैं ये देखा। अब अगला प्रश्न है तुम्हारा भाषा अभ्यास में, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में विशेष चीज बताने वाली है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, सबसे प्रश्न है विशेषण के ऊपर, तो मैं हम लोग विशेषण पे चर्चा करेंगे। पहले आप ये उतार लो जल्दी जल्दी सब, और सॉरी आप लोग ये सब उतार लो, इसके बाद हम करते हैं विशेषण। पेज नंबर है 103, जिसमें हम विशेषण पढ़ेंगे। प्रश्न है विशेषण और विशेष्य को छांट कर लिखिए। विशेषण और विशेष्य को छांट कर लिखना है। विशेषण जैसे जैसे प्रश्न तुम्हारी किताब में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन उन चीजों पे हम व्याकरण में चर्चा करते जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए विशेषण। प्रश्न आता है विशेषण किसे कहते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, लेकिन फिर भी आज हम फिर दोहरा देते हैं ये प्रश्न पढ़ाने के क्रम में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में तो आप जानते ही हो, तो उन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अब आप विशेषण की परिभाषा पढ़ लीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं
उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब सवाल आता है कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है गुणवाचक विशेषण। यहाँ जैसे लिखते थे, जैसे उदाहरण के लिए आपको कई बार परिभाषा पूछी जाती है तो उदाहरण भी पूछा जाता है, तो आप उदाहरण के तौर पर लिखिए, जैसे काला घोड़ा मीठी चाय चार लड़के पांच लीटर दूध। अब तुम लोग सोचोगे कि ये चलो ये तो ठीक है, काला घोड़ा और मीठी चीनी तो ठीक, मीठी चाय तो ठीक है, लेकिन अब ये चार लड़के पांच लीटर दूध कहाँ से आ गए। तो विशेषण के भेद होते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ चार लड़के और पांच लीटर दूध क्या है। पांच में विशेषता बता रहा है, पांच लीटर विशेषता बता रहा है दूध की ना, इसी तरीके से चार विशेषता बता रहा है लड़कों की, लड़के कितने चार, ये पांच, ये चार शब्द बता रहा है। तो अब हम देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, चार, एक दो तीन चार। कौन कौन सा? गुणवाचक विशेषण, यहाँ लिख देते हैं गुणवाचक विशेषण, तुम लोग को दिखाई दे रहा है, नंबर एक गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण नंबर दो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण इसके बाद है नंबर तीन परिमाणवाचक। और अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। यह है सार्वनामिक विशेषण। तो अब हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। ये आपने शायद देख लिया हो या आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, भाषा अभ्यास में भरने वाली चीज अब बताई जा रही है। प्रश्न है, प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। विशेषण और विशेष्य, अब देखना यह है विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, कैसे छांटेंगे। इसको हम रब कर देते हैं। प्रश्न है नौ, प्रश्न और पृष्ठ संख्या है 103। वाक्य है श्याम पट पर तीन चित्र बने हुए थे,
श्याम पट पर तीन चित्र बने हुए थे। विशेषण यहाँ विशेष हम बाकी बोल रहे हैं श्याम पट पर तीन चित्र बने हुए थे तो यहाँ आ गया विशेषण आ गया तीन और विशेष हो गया चित्र। अगला छोटे बच्चे ट्रकों पर बैठ जाते हैं, यहाँ विशेषण क्या है छोटे, क्योंकि वो बच्चों की विशेष संज्ञा की विशेषता बता रहा है और बच्चे क्या है विशेष। छोटे यहाँ बच्चे आते हैं। दूसरे वाक्य में हो गया विशेषण छोटे और विशेष बच्चे, ये संज्ञा शब्द होते हैं तो संज्ञा इसकी विशेषता है। ये हमने परिभाषा में पढ़ा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो ये संज्ञा है, यहाँ पे सर्वनाम भी हो सकता है। इसके बाद है अगला वाक्य है दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गईं। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गईं। हाँ चांदवी ने सही लिखा है नंबर तीन सैकड़ों। और यहाँ है मूर्तियां इसी तरीके से वे अपनी फटी पुरानी पुरानी कापियां दिखाते, वे अपनी फटी पुरानी कापियां दिखाते, तो इसमें है विशेषण फटी पुरानी और विशेष है कॉपियां। पुरानी कॉपियां। इसके बाद अंतिम वाक्य है सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है, सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है। बच्चे ने लिखा भी है विशाल विशेषण और मेले विशेष, ठीक है वेरी गुड। बच्चों को पहले से जानकारी है ये तो रिवीजन हो रहा है विशाल विशेषण है और मेले विशेष है, मेले विशेष है। तो ये भी अपनी अपनी किताब में प्रश्न संख्या आठ में पूरा कर ली, नौ में पूरा कर लीजिएगा। सॉरी, तो इस तरीके से आज हमने विशेषण और विराम चिन्ह का प्रयोग देखा। अब जो अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में से वाक्यों में कोई ना कोई गलती है उसे पहचानिए और वाक्य को सही रूप में दोबारा लिखिए। शायद मेरी आवाज तुम तक जा रही हो तो आप सुन लीजिए और अपने प्रश्न को साथ साथ में करते जाइए। कुछ बच्चों ने रेज हैंड किया है, उनसे हम बाद में बात करेंगे, पांच मिनट का समय दिया जाएगा उनको। पहला वाक्य है आम तौर पर छुट्टी के दिन सारा काम देर से होते हैं, सारा काम देर से होते हैं। तो बच्चों ने पहले ही करेक्ट करके दे दिया है आम तौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं, तो यहाँ सारा शब्द गलत है। वेरी गुड, यहाँ सारा शब्द गलत है। आप अपने जो खाली स्थान दिया है उसमें लिखिए आम तौर पर छुट्टी के दिन
सारे काम देर से होते हैं। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं। सारा को सर्किल कर दो, सारा को सर्किल कर दो। जैसे सारा है उसे सर्किल करके उसके नीचे दूसरा वाक्य लिखो, खाली दिए हुए स्थान में सारा की जगह सारे कर देंगे। यहाँ पे ऐसे खाली जो गलतियां हैं वो फाइंड आउट करनी है, वो देखनी है और उसके बाद क्या सुधार करके नीचे सही वाक्य लिखना है। खा में क्या तुम्हारे को यह सवाल आता है? तो वैभवी ने इसका आंसर दिया है, तुम्हारे को शब्द कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता है। तुम्हारे को गलत है और इसमें बच्चों को लिखना है तुम्हें। तुम्हारे को शब्द सर्वथा गलत है, कभी भी किसी भी वाक्य में नहीं आएगा। अगर लिखना भी है तो तुमको लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारे को हमेशा गलत है। फिर उसके बाद देखो, क्या तुम्हें यह सवाल आता है? खा में लिखना है और गा है प्रश्न वाक्य है, मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखा गया। कुछ शायद इसका इश्यू हो रहा है नेट का, देख लेते हैं। मूर्ति लेने के बाद वह नेट पटरे पर रखी गई होगा, रखी गई। यहाँ लिंग संबंधी गलती है, जब यहाँ मूर्ति स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे बाद में रखा गया नहीं होगा, रखी गई। रखा गया को अंडर सर्किल करोगे, उस पे राउंड लगाओगे और नीचे लिखोगे, मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखी गई। डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई घा, अगला वाक्य है डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। तो यहाँ पे डाकिया शब्द गलत है, यहाँ पे लिखोगे डाकिए, इसको रद्द कर देते हैं। डाकिया शब्द गलत है। ताकिये ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई, इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद है, बच्चे लिखेंगे सारे वाक्यों को और अंतिम वाक्य है, नाना जी सभी बच्चे को कहानी सुनना चाहते थे। नाना जी सभी बच्चे को कहानी सुनना चाहते थे। यहाँ पे बच्चे गलत है, बच्चे का बहुवचन, बच्चे तो बहुवचन है लेकिन यहाँ पे बच्चों होगा। सुनना की जगह सुनाना, क्या चीज गलत है? बच्चे और सुनना। सुनाना चाहते थे। तो उम्मीद है कि तुम लोगों ने ये लिख लिया होगा।